जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे रेल कौशल विकास योजना के बारे में। तो फ्रेंड, भारतीय गवर्नमेंट द्वारा जिसमें रेल द्वारा आपका रेल कौशल विकास योजना जारी की गई है, इसकी कंप्लीट जानकारी किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। अगर आपको यह जानकारी या वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टैक्स। तो फ्रेंड, ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरीके से आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो ये आपको स्टेप फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप चलेंगे साइन अप फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल देते हैं, इसको फिल कर लेंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते हैं मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, मेरे ईमेल आईडी पे आ चुका होगा, मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया है। पासवर्ड आपको देखिए जो रखना है कुछ इस तरीके से रखना है, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल, एक आपका डिजिट में और एक स्पेशल करेक्टर के माध्यम से आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है। मिनिमम 8 करेक्टर यूज करने हैं, ठीक है, 8 से 15 के बीच में अपना पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करिएगा, हो सकता है 4-5 मिनट में आपका ये आपका वेरिफिकेशन लिंक आया, मुझे थोड़ी देर बाद प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का आपके द्वारा आपको ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, एक्टिवेशन लिंक है, थैंक यू फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ यू कैन लॉग इन, आपको फिर से लॉग इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन हेयर पे क्लिक कर दूंगा, इस तरीके से जो मेरी ईमेल आईडी, जो मैंने पासवर्ड बनाया था और ये कैप्चा फिल करके लॉग इन कर लूंगा, ठीक है। तो ये मैं स्टेप कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ पे आपको देखिए अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आपका, मैं यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट का नाम, जिस आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, NCR गाजियाबाद, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी गोरखपुर। तो यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे किसी एक यहाँ पे चुन लिया है, ठीक है, फिलहाल मैंने इसको चुन लिया है। इंस्टीट्यूट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे सर्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं सर्च, यहाँ पे आप कर लें, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को जाएगी, सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको फिटर, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस यहाँ पे आप अपने अनुसार दे सकते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट इसको दूंगा तो यहाँ पे फिटर आ गया, सेकंड यहाँ पे आप देंगे तो मैकेनिस्ट के यहाँ पे देना चाहें और इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे देना चाहें, इस तरीके से यहाँ पे आप करेंगे। टू टैब अप्लाई ऑफलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइटल व्यू, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप जो आपका जरूरत है उसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे, इस तरीके से जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है, आपका नाम, मध्य नाम, उपनाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर यहाँ पे बताएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता यहाँ पे बताएंगे, हाई स्कूल मार्कशीट नंबर, प्रतिशत और उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पे चलिए आपका जो एड्रेस है वो जानकारी देंगे, जिला, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश के बारे में, यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं ट्रेड के बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, इस तरीके से आपका आपको करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते, देखिए मैं इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से और जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पे आपकी आयु 18 से 35 दे रखिए, 10वीं पास होना चाहिए, सिलेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, 10वीं क्लास विल बी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, एज पर द आपका CBSE 9.5 कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज, यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसकी 11/6 से आप आवेदन कर सकते हैं, कैंडिडेट मेन या ऑप्टेन ऑनलाइन सबमिशन बाय द सेम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऑफलाइन फॉर्म शैल नॉट बी इंटरटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एप्लीकेशन ट्रेड वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया है सेम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए प्रिस्क्राइब टाइम पर, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन इंटरटेन नहीं किया है, अगर आपको देख सकते हैं ऑफलाइन भी कर रहे हैं आप, ऑनलाइन कर रहे हैं एक ही इंस्टीट्यूट पर, तो यहाँ पे आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ठीक है। तो एप्लीकेशन इज ट्रेड बाई बेसिस ऑफ कैंडिडेट प्रेफरेंस, ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हो भर सकते हैं, पर आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन दो, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन या अटेंडेंस 75 कंपलसरी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 वीक 18 डे, पास क्राइटेरिया 55% रिटन 60% प्रैक्टिकल। अदर दे सकते हैं ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फूड एंड लॉजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो अलाउंस लाइक डेली अलाउंस, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन ऑल कैंडिडेट शैल बी शैल फिल अप द इंफॉर्मेशन, देयर इज नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, यहाँ पे आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/6 से लेकर आप 24/6 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 25/6 भी ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट आप देखते हैं, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट ईच स्टेट बाई जनरेट बेसिक बेस्ड ऑन आपका मेरिट, इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ पे आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दे सकते हैं आपका हाई स्कूल मार्क्स, फोटो आइडेंटिटी, आपका जो नोटरी, आपका एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रिपोर्ट ट्रेनिंग ऑफ कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको फोटो सिग्नेचर, ये सब आपको देखने मिलेगा, एफिडेविट 10 रुपये का, नॉन आपका जूडिशियल स्टाम्प पेपर और मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस स्टिपेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टिपेंड के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर विल नॉट बी लायबल टू पे स्टिपेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई तरह की स्टिपेंड नहीं जाएगी, आपके अरेंजमेंट खुद ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी जानकारी किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप इजीली जाके फॉर्म को फिल कर सकें, ठीक है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहा हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो धन्यवाद।